सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और जरूर दबाएं एक घंटा ताकि आपको मिलते रहें लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशंस। पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह बुलर के दिशा निर्देशों पर कमिश्नरेट पुलिस ने अवैध पिस्तौल समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सीआईए स्टाफ की मदद से गुप्त सूचना के आधार पर गड़ा रोड पेम्स अस्पताल के बाहर लगे नाके के दौरान एक व्यक्ति को हथियार के साथ काबू किया गया है। आरोपी की पहचान बंटी उर्फ गंडवासी आबादपुरा के तौर पर की गई है। प्रेस वार्ता के दौरान एडीसीपी परमिंदर सिंह बंडाल, एसीपी बरजेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना के आधार पर सीआईए स्टाफ के प्रभारी हरमिंदर सिंह ने आरोपी को 32 बोर की पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस समेत काबू किया है। आरोपी गण के खिलाफ पहले भी कई संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर गण जेल की हवा तक खा चुका है। गण के ऊपर अभी भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी गण पर कुछ समय पहले गोली भी चली थी, उसे राजनीतिक संरक्षण भी था। आरोपी पर असला एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी से बरामद पिस्तौल की पुलिस द्वारा पड़ताल की जा रही है। यह असला गैंगस्टर गण के पास कहां से आया? पुलिस का कहना है कि आरोपी के पास किसी की लाइसेंसी पिस्तौल थी जिसके असली नंबर साफ किए गए हैं। पुलिस इस मामले में पिस्तौल के असल मालिक को ढूंढने में जुट गई है। जालंधर से वन नेटवर्क की रिपोर्ट। रेसिपी वेस्टर्न कमिश्नर पुलिस सरदार गुरप्रीत सिंह भुल्लर जिन्हों की हदायतों मुताबिक कल साड़ी जी सी ए वन पार्टी है जी वो पिम्स के एरिए वाले पास गश्त कर रही थी तो किसी खास मुखबर ने उन्होंने दसिया कि इस एरिए एक पिछले काफ़ी लंबे अरसे तो बंटी एलियस गंड नजायज़ वेपन के नाल जो घूम रहा तो इमीजिएटली इंचार्ज सी आई ने उत्थे अपनी जी पुलिस पार्टी से इन्होंने उस एरिए घेराबंदी करके इनू बंटी जोड़ा पहला मुकदमा दर्ज कराया 7 और उस तो बाद इस एरिए जोड़ा इन्होंने सील करके इनू लड़के जोड़ा उतों गिरफ्तार किया। तो मौके तो ये को जोड़ा समझ 32 बोर का नजायज़ जोड़ा रिवालवर आ वो मिले और सानू ये को 5 राउंड भी मिले तो ये हूँ जोड़ा रिवालवर आदि उत्ते इन्हें बिल्कुल जोड़ा उन्होंने रगड़ के वे नंबर सारे मिटे हुए हूँ असी चेक करांगे कि यह रिवालवर किस दे नाम दा आ कित्थों चोरी किया कुछ रिवालवर साडे एरिए दे विच भी चोरी हुए हुए जिन्हों का असी सारा रिकॉर्ड जोड़ा वगैरह मंगा रहे हैं और इन हूँ असी पेश करके कोर्ट रिमांड लवेंगे और यदि सारी जी अगर कोई वारदात करनी से ये ऑलरेडी इन्हें पहला काफ़ी वारदातें की हुई हैं। जो पिछला रिकॉर्ड मैं देखा 2005 तो लैके 2012 तक अलग अलग तरह के मुकदमे दर्ज आ लड़ाई झगड़िया के कतल के मुकदमे के कोई करीब 1.5 साल जेल के ला के आया और फरौती का मुकदमा भारगो कैंप के दर्ज आ फैक्ट्री के मालिक तो डरा धमका के 20,000 रुपया लिया इस तरह के ये लड़ाई झगड़िया का क्रिमिनल टाइप जोड़ा आते जोड़े सारे खर्चे दर्ज आ और हुण ये जिहड़ा वैपन लैके घूम रहा ऑटोमेटिक कोई ना कोई इन्हें वारदात करनी सी सारा कुछ हुण जदों इहदी पुछगिछ करांगे रिमांड लैके तो अगे होर की वारदातां करनियां कित्थों वैपन लिया ये सारा हुण अगली पुछगिछ सर इन्हें वैपन दस्सिया कित्थों लिता सी कित्थों चोरी कीता नहीं वो अजे तक ये साडी कोई मुढ़ली पुछगिछ नहीं पता कर हुण हुण दसूगा रिमांड लैके पेश करांगे इहनूं पेश करके फिर इस तों बाद सानूं पता लगेगा वी इहने की कित्थों चोरी कीता की मामला दर्ज कीता असीं इहदे ते जिहड़ा पर्चा दर्ज देता है जिहड़ा 2554 आर्म्स एक्ट का जिहड़ा 7 दे विच पर्चा दर्ज कराता।